हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल आर एस अपनी प्रॉपर्टी, हमारा सपना सबका घर होगा अपना। और दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके 2 BHK फ्लैट, जो कि होने वाला है 108 गज में। बहुत ही शानदार फ्लैट रहेगा, सबसे बड़ी खूबसूरती रहेगी दोस्तों। सेक्टर 123 मोहाली में है और 200 फीट रोड के जस्ट पास में, यानी कि 200 फीट रोड मात्र 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर होने वाला है, यानी कि हाईवे के जस्ट पास में आ गया। चलिए स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे 108 गज में फ्लैट होने वाला, तो यहाँ पर स्पेस हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, 10 सीटर सोफा भी हम लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 8 सीटर सोफा यहाँ पर लगा हुआ है। राउंड टेबल लगी हुई है, चेयर डली हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्पेस देखिए काफ़ी स्पेस हमारा बचा हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ पर 10 सीटर सोफा भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है। सबसे बड़ी खूबसूरती ऊपर देखिए दोस्तों, जो आपकी फॉल सेलिंग है, कितनी खूबसूरत फॉल सेलिंग बनाई गई है। मतलब आप देख सकते हैं पूरा ऊपर कंप्लीट फॉल सेलिंग भी शानदार बनाई गई है। विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको ना रहे। अगर मैं दोस्तों इंटरनल रोड की बात करूँ, तो लगभग 35 से 40 फीट का हमारा इंटरनल रोड रहेगा, जो कि यहाँ पर पार्किंग का कोई भी इशू आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम चाहे तो देखिए अपना, जैसे आपने अगर मंदिर वगैरह बनाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस आपको मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। इसमें आप आराम से इजीली मंदिर का सेटअप कर सकते हैं, स्पेस आपको मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, 3D वॉलपेपर आ जाएगा, जो कि इसमें इंक्लूड रहेगा। एज इट इज आपको 3D वॉलपेपर मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों AC का प्रोविजन दिया गया है, यहाँ पर AC आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों डाइनिंग टेबल्स की बात मैं करूँ, तो 7 सीटर भी डाइनिंग टेबल्स आप लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 सीटर डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं, उसके बाद भी स्पेस हमारा काफ़ी बचा हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पर LED पैनल का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर LED पैनल अपना LED आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। पैनल आपको इस तरीके से दे रहे हैं, यहाँ पर रैक लगा के दे रहे हैं वुडन वाली, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको रैक मिल रही है। स्विच वगैरह आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, एंकर कंपनी के स्विच होने वाले, उसके साथ फॉल सीलिंग शानदार रहेगी दोस्तों। और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा दोस्तों मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन आप देखेंगे दोस्तों एज इट इज आपको आने वाला है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है मॉड्यूलर किचन में। और सेम दोस्तों यहाँ पर मतलब जो फीचर्स रहेंगे, सारे फीचर्स एज इट इज ही आपको मिलने वाले हैं। ग्रेनाइट का इस्तेमाल, नीचे दोस्तों ग्रेनाइट रह जाएगा, ऊपर आपको टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे RO और गीजर का प्रोविजन दिया गया है। साथ में दोस्तों विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। ऊपर की डिजाइनिंग आप देखेंगे, यहाँ पर किचन में भी डिजाइनिंग शानदार दी गई है। साथ में दोस्तों मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक वगैरह कंप्लीट आपको एज इट इज लगे हुए मिल रहे, कंप्लीट आपको सेटअप दे रहे हैं। यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉपर वर्क किया गया है, यहाँ पर LED लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों अब बात चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा और रूम साइज दोस्तों आपको अच्छे मिलने वाले, यानी कि रूम साइज आप देख सकते हैं काफी खुले रूम साइज होने वाले। मैं अगर डबल बेड भी लगाते तो यहाँ तक डबल बेड आ जाएगा, उसके बाद लगभग 1 मीटर का स्पेस हमारा बच जाता है, तो आपको बिल्कुल भी इशू यहाँ पर स्पेस का नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे 3D वॉलपेपर आ जाएगा, जो कि इसमें इंक्लूड रहेगा, एज इट इज आपको 3D वॉलपेपर मिल जाएगा। उसके साथ साथ फॉल सीलिंग का काम आप देखिए दोस्तों, बाहर वर्किंग अलग था और अंदर जो है आपको वर्क अलग तरीके से मिलने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों ये हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, टाइल्स की मैं बात करूँ तो ऊपर तक टाइल्स को कवर किया गया ताकि आपको वेंटिलेशन और नमी की प्रॉब्लम बिल्कुल ना रहे। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर टाइल्स अलग कलर की होने वाली और ये टाइल्स अलग कलर की यहाँ पर होने वाली है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर शावर वगैरह कंप्लीट लगा के दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों विंडो आ जाएगी ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना रहे। उसके साथ साथ सिंक वगैरह यहाँ पर कंप्लीट आपको सारा काम करके दे रहे हैं दोस्तों ये। दोस्तों उसके साथ साथ हमारा ये आ जाएगा LED पैनल। LED पैनल आप देखेंगे दोस्तों प्रॉपर वुडन का वर्क करके यहाँ पर आपको मिल रहा है, LED पैनल इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये आ जाएगी कवर्स, कवर्स भी आपको एज इट इज मिलने वाली है। स्लाइडर कवर्स रहेगी दोस्तों, जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक कवर की गई है। यहाँ पर दोस्तों ड्रेसिंग का वर्क दे दिया गया आपको, यहाँ पर पर्सनल रैक दी गई है ताकि कोई भी सामान आपने रखना हो आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। उसके साथ साथ चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की मैं बात करूँ तो डिजाइनिंग आप देखेंगे, और यहाँ पर डबल बेड लगा के भी दिखाया गया है कि किंग साइज डबल बेड अगर आप लगाते हैं, तो किंग साइज डबल बेड लगने के बाद आपका काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर भी स्पेस हमारा बचा हुआ है और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पेस हमारा अच्छा बचा हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी हमारी जो LED पैनल आ जाएगा, LED पैनल इसमें आप देखेंगे जो कि प्रॉपर वुडन का वर्क करके दे रहे हैं, और एज इट इज जैसे आपको दिख रहा है उस तरीके से आपको LED पैनल मिल जाएगा। साथ में दोस्तों ये हमारा आ जाएगा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया ताकि नमी की प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से टाइल्स को ऊपर तक कवर किया गया है। यहाँ पर भी LED लाइट्स लगा के कंप्लीट दे रहे हैं, शावर वगैरह का सारा काम एज इट इज इसमें कंप्लीट करके मिलने वाला है। विंडो दोस्तों मिल जाएगी ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना रहे। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा ये आ जाएगा वॉशिंग एरिया। तो चलिए वॉशिंग एरिया भी दिखा देते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया रहेगा, और वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छे खुले स्पेस के साथ वॉशिंग एरिया बना हुआ है, और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हमारा दोस्तों 3D वॉलपेपर, जो कि एज इट इज यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। अगर इसको आप चेंज कराना चाहते हैं तो इसको हम चेंज करा देंगे, यानी कि लगभग 8 से 10 डिजाइनिंग आपको दिखा देंगे। जो भी डिजाइनिंग आपको पसंद आती है वो डिजाइनिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कवर्स आ जाएगी, कवर्स भी दोस्तों आप देख सकते हैं एज इट इज कवर्स मिलने वाली है, नीचे से लेकर ऊपर तक कवर को किया गया है।
उसके साथ साथ दोस्तों ड्रेसिंग मिल जाएगी जहां पर आप कोई भी सामान इंस्टॉल करना चाहे तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा 2 BHK फ्लैट, सबसे बड़ी खूबसूरती इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, खुले स्पेस के साथ होने वाला है। और ड्राइंग डाइनिंग एरिया ही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो टाइम अपना यूटिलाइज करते हैं वो यहाँ पर ही करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उसकी दोस्तों 108 गज में ये होने वाला है, उसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों 29,50,000 रुपये इसका प्राइस रहेगा, यानी कि 29.50 29,50,000 इसका प्राइस होने वाला, 29,50, 30,50, 31,50 200 फीट रोड के पास में अरिस्ता पैलेस मात्र दोस्तों 100 मीटर की दूरी पे, 200 फीट रोड मात्र यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे, और खर ये जो KFC वाला हाईवे है दोस्तों मात्र ये समझो कि 500 मीटर की दूरी पे, तो सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है हाईवे के पास में। प्राइस आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, इंटरनल रोड बहुत अच्छे बने हुए, हॉस्पिटल कॉलेज बस स्टैंड वगैरह सब पास में आ जाता है दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी इसके ऊपर लोन करा देंगे, यानी कि 15% से लेके 10% से लेके 15-20% आप डाउन पेमेंट करते हैं, 80-85-90% की एलिजिबिलिटी अगर आपकी आती है तो आपका लोन करा देंगे। तो ये दोस्तों खूबसूरती है कि 200 फीट रोड के पास में इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख रहे हैं, रहने के पर्पज से देख रहे हैं, शानदार है। ड्राइंग एरिया इसमें काफ़ी खुला मिल जाएगा, प्राइस नेगोशिएबल रहेगा दोस्तों, आप ऑन टेबल बैठ के प्राइस को भी कर सकते हैं। तो मिलेगी दोस्तों अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।